हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन के बारे में फ्रेंड्स आपको पता है ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्यों कहते हैं इसके लव हार्मोन? क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये प्ले करता है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है पिट्यूट्री ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में इसके पोस्टीरियर पार्ट से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन बहुत सारे फंक्शंस में एक क्रूशल रोल प्ले करता है एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चाइल्ड बर्थ एंड रेक्टेशन नेचुरली फ़ीमेल्स में ऑक्सीटोसन लेवल हाई होते हैं एंड इन फैक्ट ऑक्सीटोसन वर्ड लिटरली मीन्स क्विक बर्थ ये बेबी बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैसे एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये फीमेल के यूट्रस की मसल्स को कंट्रैक्ट करता है जिससे चाइल्ड बर्थ होता है बेबी आसानी से फीमेल की बॉडी से बाहर आता है एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज एन रिलैक्टेशन जैसे ही बेबी बर्थ होता है बच्चे का जन्म होता है उसके तुरंत बाद फीमेल के ब्रेस्ट से मिल्क सीक्रेशन होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हॉमोन ही बेबी बर्थ के तुरंत बाद ब्रेस्ट से मिल्क के सीक्रेशन को प्रमोट करता है एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीडोजन इज इट प्रमोट्स मेटर्नल बिहेवियर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है फीमेल का अपने बच्चे के प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डेवलप होता है उसके अंदर अपने आप ये माँ वाली फीलिंग डेवलप होती है अपने बच्चे के लिए चाइल्ड बर्थ के बाद जैसे ही बच्चा उसके सामने आता है उसके अंदर ये एक मदरहुड वाली मटर्नल बिहेवियर डेवलप होता है मातृत्व वाला एहसास उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति शुरू होता है वो अपने बच्चे के प्रति अपना एक स्ट्रोंग बॉन्ड एक अटैचमेंट फील करती है ये जो बॉन्डिंग है बिटवीन मदर एंड इन्फेंट, बेसिकली दिस बॉन्डिंग इज ड्यू टू दिस हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन एंड फ्रेंड इसी लिए को बॉन्डिंग हॉर्मोन भी कहा जाता है ये कमाल का एहसास होता है जो माँ बन चुकी हैं फीमेल्स उनको डेफिनेटली ही ये याद होगा कि जब भी उन्होंने अपने बच्चे को पहली बार देखा जन्म के तुरंत बाद उनके अंदर अपने आप इस तरह से एक माँ वाली फीलिंग अपने बच्चे के प्रति एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डेवलप हुआ था और इसके लिए ये बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है चलिए अब बात करते हैं क्यों ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते जी हाँ जो एक प्यार है लव है दो लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ये जो अटैचमेंट है या बॉन्डिंग है इसके लिए इस प्यार के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जब हम किस करते हैं हक करते हैं या ऑगेसम के टाइम जो एक प्लीजेंट फीलिंग होती है वो है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन एंड ड्यूरिंग डीप लव स्टेट जब कंपैशनेट लव स्टेट होती है दो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लव और एक बहुत गहरा रिश्ता फील करते हैं ये जो एहसास है ये बॉन्ड है ये है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रेंड्स आगे आने वाले वीडियोस में हम लव के बारे में बहुत सारी बातें डिटेल में करेंगे और फिर से ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑक्सीटोसिन डीप लव स्टेट को मेंटेन करने में एस्टैब्लिश करने में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है लव रिलेशनशिप के अलावा ऑक्सीटोसिन सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल बॉन्डिंग में भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एंड आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों से आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप शेयर करते हैं एंड इस अटैचमेंट एंड इस सोशल रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्सीटोसिन के लो लेवल की वजह से लोग आपस में एक दूसरे के प्रति ये जो अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है इसको नहीं शेयर कर पाते उनके रिलेशनस वीक होते हैं ऑक्सीटोसिन हमारे सोशल अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक क्रूशल रोल प्ले करता है जब हम सोसाइटी में फ्रेंड्स के साथ में फैमिली में एक दूसरे के साथ में ये अटैचमेंट फील करते हैं इसका रीज़न है ऑक्सीटोसिन और जब ऑक्सीटोसिन का लो लेवल होता है तो ऑटिज्म एंड ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि स्पेरेगल सिंड्रोम डेवलप होता है ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते मिलना जुलना पसंद नहीं करते पुअर सोशल रिलेशनशिप होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत पुअर होते हैं दूसरे बच्चों के साथ में घुलना मिलना पसंद नहीं करते खेलना पसंद नहीं करते अकेले रहना पसंद करते हैं और बोलते भी नहीं हैं सो so, इस तरह से ऑक्सीटोसिन सोशल बॉन्डिंग्स एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अलावा जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है दोस्तों से या फैमिली मेम्बर्स से आ, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर में पैचअप कर लेते हैं तो ये जो हमारा पैचअप है मीन्स वापस से उन बॉन्ड्स का एस्टैब्लिशमेंट सो so, ये भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है सो ऑक्सीटोसिन अस टू रिकवर फ्रॉम बैड सोशल इंट्रैक्शन जब भी हमारे इस तरह से कोई बैड सोशल इंट्रैक्शनस होते हैं उनको रिकवर करने में ऑक्सीटोसिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो जब भी आपकी लड़ाई झगड़े हो और उसके बाद आप जब पैचअप करते हैं तो सो क्रेडिट गोज़ टू ऑक्सीटोसिन इसके अलावा ऑक्सीटोसिन मेक्स अस काम या हमें शांत करता है हमारे पेन एंड एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है एंड हमारे पॉजिटिव मूड को एन्हांस करता है हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है हमारी हैप्पीनेस के लिए ऑक्सीटोसिन के साथ साथ सेरेटोरन एंड डोपेन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस ड्यूपेमिन एंड सेलेटोनिन नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उसे भी देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल होगा ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर प्रो सोशल बिहेवियर इन्हांस करता है हमारे बिहेवियर में जेनरसिटी डेवलप करता है मतलब हमें उदार बनाता है हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए मोटिवेट करता है ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट को डेवलप करता है जब कोई भी रिलेशन हो उसकी फाउंडेशन होती है ट्रस्ट दो लोग जब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो ही उनके अंदर स्ट्रांग अटैचमेंट होता है सो so, हमारे जो दो लोगों के बीच में आपसी जो विश्वास होता है जो ट्रस्ट होता है रिलेशन्स में उसके लिए ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल है जब हम ट्रू लव में होते हैं या डीप लव स्टेट में होते हैं या हम बहुत इंटीमेट रिलेशन्स में होते हैं तो हमारे बीच में सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है वो है आपस में जो हमारा विश्वास है एक दूसरे पर जो जो ट्रस्ट है उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके अलावा ऑक्सीटोसिन एम्पैथी डेवलप करता है हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं उनकी मेंटल स्टेट को समझ पाते हैं दूसरों के पेन को समझ पाते हैं दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं तो ये जो इम्पैथी है वो हमारे बिहेवियर में आती है ऑक्सीटोसिन की वजह से एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इट अलाउज़ मैन टू सस्टेन लॉन्ग टर्म मोनोगेमस रिलेशनशिप इसका मतलब है ऑक्सीटोसिन की वजह से रिश्तों में स्टेबिलिटी होती है एंड स्पेशली फॉर मेल्स वो एक ही सेक्सुअल पार्टनर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशम्स मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करता है सो so फ्रेंड्स इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हमारे बिहेवियर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं देन गुड बाय Thanks for your time and keep watching!